मन करता बार बार यहीं आए और यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। अभी 4 पेट्रोल पंप के मैं मालिक हूँ। ये बाबा ना, इट इज़ वेरी गुड एंड व्हाट एवर वी आर थिंकिंग इन आवर हार्ट आते हैं, क्योंकि साईं बाबा एक ही है जो बोलते हैं हम सबका मालिक एक है। साई राम, आप सबको स्वागत है साई गाथा टीवी में। यही है वो द्वारिका माई जहाँ पे साई बाबा बैठते थे। साई बाबा के आने से पहले ये एक पुराना मस्जिद था और जब साई बाबा आए इसको द्वारिका माई में बदल दिया और ये साबित कर दिया कि सबका मालिक एक है। ये द्वारिका माई के अंदर वो धुनी है जो बाबा के द्वारा प्रज्वलित किया गया था और वो धुनी आज भी प्रज्वलित होता आ रहा है। और वो धुनी से निकलने वाले राग को उदी कहा जाता है जो कि बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। तो आइए शिरडी में आए हुए कुछ भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं कि शिरडी और बाबा का महत्व उनके जीवन में क्या है। जय साई राम। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। आप कितने बार शिरडी आ चुके हो? 3rd टाइम। कैसा लगता है शिरडी में आके? मन करता बार बार यहीं आए और यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। आप यहाँ पे आके कितने दिन हो गए आए? आज ही आए हैं। आज समाधि दर्शन करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। ओम साई। टाटा जमशेदपुर झारखंड स्टेट से 98 से हम लोग बाबा के प्रति हम लोग समर्पण है और एवरी ईयर हम लोग आते हैं। जो भी है बाबा हमारा मार्गदर्शन है, सब कुछ हमारे बाबा ही है। शिरडी में आके आपको कैसा लगता है? बहुत अनुभव, एकदम बहुत सादगी, बहुत एकदम शांत। साईराम सर। साईराम सर, आपका नाम? हरीश बांडे। आप कहाँ से हो? पनवेल। कितने बार शिरडी आ चुके हैं? मैं हर 15 दिन में आता हूँ। 15 दिन में आते हैं? महीने में 2 बार आता हूँ। अच्छा, कैसा लगता है? क्यों बार बार क्यों मन होता है यहाँ पे आने? आना ही पड़ता है, साई की याद आते। मेरा तो मंदिर है साई बाबा का, मैंने बांधा है खुद, पनवेल में खुद का मंदिर है। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है साई के। हमको सब कुछ, उनको सरपंच भी बनाया है सब। मैं सरपंच था अभी 5 साल, साई की कृपा से ही था पनवेल में। तो जो भी है, कुछ जो भी हूँ अभी, जो भी है सब साई की कृपा से ही हूँ। इसके वजह से आता हूँ, हर महीने में 2 बार आता हूँ। कभी मन किया तो तीसरी बार 15 दिन या 7 दिन में भी आ जाता हूँ, इच्छा हो गया तो आ जाता हूँ। साईरा मैडम। हेलो, मैं सुनीता धवनकर और साई बाबा के यहाँ हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि साई बाबा एक ही है जो बोलते हैं हम सबका मालिक एक है और उसके कारण हमको बड़ा अच्छा लगता है कि साई के एक बार दर्शन कर लो और मन की शांति हो जाए। आप कितने बार आ चुके हैं शिरडी में? मैं यहाँ 4 बार आ चुकी हूँ, जब मैं छोटी थी तब भी आई थी और अभी भी आई है। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके दर्शन? एकदम शांति मिलती है और बहुत मन को यानी श्रद्धा और सबूरी आते हैं। धन्यवाद। ओम साई। थैंक यू मैडम। सर आप थोड़ा वाइब्स देंगे बाबा के बारे में? साईराम सर। साईराम सर, आपका नाम? मेरा नाम शीतल प्रसाद शाह। कहाँ से हो आप? मैं कलकत्ता से। आप कितने बार शिरडी आ चुके? 20
20 साल हो गया मैं बाबा के दरबार में आता हूँ। साल में दो बार आते हैं आप, कैसा लगता है शिरडी में आके? बार बार क्यों मन होता है शिरडी में आने के? बस बाबा के पास जो भी है धर्म, इसलिए आते हैं हम लोग, बाबा के बुलाने से ही हम लोग आ जाते हैं। बस एक बार मन से बुलाना होगा, इसलिए हम लोग आ जाते हैं। आप बाबा को कितने साल से जानते हैं? मैं बाबा को 22 साल से जानते 22 साल से जानते हैं। कुछ अनुभूति या अनुभव हुआ है बाबा? एक से आ रहा हूँ इधर। बहुत बहुत। कोई एक अनुभूति जो कि आपके मतलब पूरा मन के करीब है वो एक बोले। मैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डीलर हूँ, तो बाबा ने जिस टाइम में आता था उस टाइम एक थी, अभी चार हो गया है। अभी चार पेट्रोल पंप के मैं मालिक हूँ, ये बाबा का देन है। आपको मतलब आपके जीवन में बाबा का और शिरडी का क्या महत्व है? हमारे जीवन में शिरडी का बहुत बड़ा महत्व है। मैं 1984 में एक बार आया था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, मैं बाहर से ही दर्शन करके चल जाता था। लेकिन मेरे दिमाग में फिर आया कि मैं बाहर, फिर दोबारा मैंने आया, नासिक गया था, फिर दर्शन करके गया, कि मेरे मन जो दिक्कत हो रही थी कि नहीं डायरेक्ट जाके दर्शन करना, मुझे यही अनुभूति हुई है। धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम। साई राम सर। साई राम। आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से हैं जी। आपका नाम क्या? किशन चंद। आप कितने बार शिरडी आ चुके? 25 साल से आते हैं जी। 25 साल से आते हैं। आप बाबा को कब से जानते हैं? बाबा को बस 25 साल से जानते हैं जी, जब से आते हैं। कुछ अनुभूति हुआ मिला है? कुछ अनुभव हुआ है? दो बार अनुभूति हुई। एक बोलिए उसमें से। अभी मुझे 6 महीने पहले, जब मैं पहले आया था यहाँ, तो बाबा ने हमारे सामने जहाँ मंदिर साई लिख रहा मोटे अक्षरों में, यहीं पर दर्शन दिया हूँ मैं उन्होंने, समझिए, और हम पहचान ना सके उन्हें, और थोड़ी दो किलोमीटर घूम से रहे बिल्कुल, हमारे नज़र देखिए हम पीछे मुड़ गए, देखा गायब हो गए बाबा, समझिए गायब हो गए बाबा के, सुन समझिए, बड़े अच्छे दर्शन हुए, और हम सही दिल से बिल्कुल उनके साथ हम प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है हम, समझिए, वो जब से यहाँ शरण लिए हमें फायदा है। साई राम सर। जय साई राम। आपका नाम? कृष्णपाल। कहाँ से? आपके जीवन में बाबा का महत्व क्या है? देखिए हिंदू धर्म में तो सबका अच्छा अच्छा ही चल रहा है, मैं तो है जहाँ मन लग जाए वहीं धर्म है, वहीं कर्म है, बस मुझे। आप अगर हमें बाबा के कोई हमें सुख ना मिलता कोई ऐसे, तो हम आते कहीं किसी लिए आते हैं, हमें कुछ परेशानी हो, हमारे दूर कष्ट दूर करते हैं बाबा, सही राह दिखाते हैं, सच्चाई पर चलाना सिखाते हैं, तो हमें अगर अच्छे लगते हैं। आपको कुछ अनुभूति मिला है 26 साल से आ रहे हैं, कुछ मिला है आपको अनुभूति? बहुत अच्छी अनुभूति मिली है, सच्ची राह पर चल रहे हैं, उनके कहने पर चल रहे हैं, कार मोटर भी है, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं है, और पहले बहुत जीरो थे, जैसे शरण में बाबा की जब से हमें बहुत उन्नति मिली है। चार पांच पोते हैं, सब कुछ घर परिवार संपन्न है, अब आजाद है ये। थैंक यू। ओम साई राम। साई राम सर। ओम साई राम। आपका नाम? सौरभ कालरा। कहाँ से आए? कानपुर से आया हूँ मैं। कानपुर से। आप बाबा के शरण में कब से आए? मैम हम लोग करीब 14 साल से लगातार आ रहे हैं शिरडी, हम लोग साई सचेत एक पार्ट किया था, एक हमारा एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वहाँ पे कानपुर में, वो करवाते हैं हर साल, तो उसका मैं भी हिस्सा हूँ, तो उन्होंने जब जैसे ही पार्ट किया उसके बाद ऐसे ही हम लोग को मतलब लगन लगी कि चलो बाबा की इतना पढ़ा हमने, इतना सब कुछ किया, और देखे बाबा साक्षात कैसे देखते होंगे, और हमने बहुत अनुभव पाए, मतलब हमने लिटरली मतलब बाबा को यहाँ पाया है, जितनी बार आए, एक आध बार वो एक चमत्कार भी हुआ था बीच में कुछ साल पहले, तो उसमें उसको भी हम लोगों ने विटनेस किया था यहाँ पे, तो बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं बाबा के साथ हम लोग के। कुछ अनुभूति हमारे दर्शकों को बोलेंगे जो आपके जीवन में हुआ है और बहुत ही मन के करीब होगा उसमें से?
अब क्योंकि हम लोग अब साईं सचित से ही जुड़े हैं तो उससे आए, तो मेरे समझ से अगर साईं सचित कोई पढ़े बाबा का तो साक्षात बाबा के दर्शन उसमें वहीं पा जाए पा लेगा वो, अगर लगन से वो कर ले, रोज एक पाठ करे, ना पूरा ना ज़्यादा टाइम हो, पारायण करने में होता है कि हफ्ते में रोज करना पड़ता है, जब टाइम मिले एक पार्ट कर ले, एक पेज कर ले, धीमे धीमे करके वो अग्रसर हो जाएगा, फिर उसको अपने आप इतनी लगन हो जाएगी कि वो खुद ही पारायण करेगा अपने आप। तो मेरे लिए तो वो मतलब साईं सचित जो है वो साक्षात बाबा का प्रतिरूप है। और कुछ आप बोलो। ओम साई राम। क्या बोलना था आपको? ओम साई राम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायांश कलरा है। आप जब शिरडी आते हैं तब जब बाबा को मिलते हैं जाके, तब आपको कैसा लगता है? बहुत सुकून मिलता है। आप कितने बार आ चुके हो? कितनी बार आ चुके हो? अब आप आइडिया से कर लो कितनी बार आ चुके हो? 6-7 बार आ चुके होंगे। तुम्हारा नाम क्या है पहले बताओ? सायांश। बस साईकांश। बहुत अच्छा है, बाबा हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। ओम साई राम। साई राम सर। हाय साई राम। व्हाट्स योर नेम? My name is Karthikeyan, working in IBM Pune. But actually, before days, even though I got quarterly award, I had been get removed from the job, IT job. And 2 months ka, I am trying hard. There is no job due to the registration period. That time, one of the friend told about Baba, and we had have 9 weeks fasting. After that 7th month itself, I get placed in IBM Pune. Still now, I am working in Pune, but work from home for 5-8 years. So the grace of Baba, na, it is very good, and whatever we are thinking in our heart and we are praying in Baba, na, within 1 week or 2 week I get that fulfilled. So grace of God is very good. That to Baba. From when you know about Sai Baba? I think so it's of around 12 years. 12 years back I had been prayed. Till now I am praying Baba. Even though for every Thursday, I will be go to nearby temple and praying for Baba. Thank you. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Hum to lagatar batal